हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम अपने वीवो के फ़ोन में जो स्क्रीन रिफ्रेश रेट होता है उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो स्क्रीन रिफ्रेश रेट को चेंज करने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो गाइस वीडियो को हम सिंपली शुरू कर देते हैं। तो गाइस वीडियो को शुरू कर सबसे पहले गाइस सबको जो हमारे वीवो के फ़ोन की मोबाइल सेटिंग्स है, तो वैसे हम सिंपली सेटिंग्स को ओपन कर लेते हैं। मोबाइल सेटिंग्स को ओपन करते हैं। तो इस मोबाइल सेटिंग्स को ओपन करने के बाद कि आपको कुछ ऐसा इंटरफेस शो होता होगा, तो हमको क्या करना है, नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको वैसे यहाँ पर शो होता होगा डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस। तो हमको क्या करना है, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इस हम नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको जो स्क्रीन रिफ्रेश रेट्स का ऑप्शन है, तो गाइस हम स्क्रीन रिफ्रेश रेट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। स्क्रीन रिफ्रेश रेट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पर 3 ऑप्शन शो हो जाएंगे, 60 हर्ट्ज़ और 90 हर्ट्ज़। और गाइस यहाँ पर आपको शो होगा स्मार्ट स्विच का ऑप्शन। तो गाइस सिंपली हमको ये करना है, सिंपली हम जैसे 60 हर्ट्ज़ पर क्लिक करते हैं। 60 हर्ट्ज़ पर क्लिक करने के बाद आपके जो 60 हर्ट्ज़ है स्क्रीन रिफ्रेश रेट है हमारा 60 हर्ट्ज़ हो जाएगा। और कैसे इसको आपको 90 हर्ट्ज़ करना है, 90 हर्ट्ज़ पर आप सिंपली क्लिक कर देंगे तो कैसे हमारे 90 हर्ट्ज़ और ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और कैसे इसको आप उसकी स्मार्ट स्विच पर रखो तो कैसे हमारा जो रिफ्रेश रेट है वो ऑटोमेटिकली कम या ज़्यादा, मतलब 90 एंड 60 होता रहेगा। तो कैसे तरीके से स्क्रीन रिफ्रेश रेट को चेंज कर सकते हैं अपने वीवो के फ़ोन में। तो कैसे आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलना। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू।